एवरीवन, मैं चित्रा आप सबका नव भारती स्कूल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 11 का चैप्टर परम्यूटेशन प्रॉपर्टी उसकी एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे। उसमें हम परम्यूटेशन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये है नंबर ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उनके नंबर्स को हम अरेंज करते हैं, ठीक है, उसको हम परम्यूटेशन बोलते हैं। जैसे हमें एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल क्या है कि काउंटिंग द डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर सच एज रोज, कि जो रोज लेटर है उसकी अलग अलग अरेंजमेंट करनी है पॉसिबल, ठीक है। तो कितने इसमें वर्ड्स है रोज में, 4, तो 4 है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। पहले में कितनी आ सकती पॉसिबिलिटी, फर्स्ट टर्म तो कितनी पॉसिबिलिटी, 4 लेटर है तो 4 पॉसिबिलिटीज में, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ यानी कि पहले हम 4 में से कोई एक यूज कर सके, तो सेकंड में हम क्या करेंगे, जब इसमें से एक यूज कर चुके तो बचे कितने, 3, थर्ड में 2, फोर्थ में 1, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 4 × 3 × 2, 24 पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि परम्यूटेशन यहाँ पर डिफाइन किया है कैसे, कि हम यहाँ पर इसमें बोलते हैं 4 डिफरेंट लेटर्स जो हमें लिए हैं उसे अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, हमें वर्ड दिया है नंबर, तो नंबर में टोटल वर्ड कितने हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसे हम अरेंज करेंगे कैसे कि नंबर 3 लेटर वर्ड कैसे अरेंज करने, 3 वर्ड्स में, ठीक है। तो चाहे उनका चाहे विद और विदाउट मीनिंग, उन 3 वर्ड्स का क्या मीनिंग है, चाहे मीनिंग हो या नहीं हो कोई भी, ठीक है, बट हमें अरेंज करना है इस नंबर्स को 3 वर्ड्स में, ठीक है। तो अरेंज कैसे करेंगे, और साथ में बोला है आगे, वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, यानी कि रिपीट वर्ड्स की अरेंजमेंट जो करेंगे उसमें लेटर्स होंगे ना जो वो अरेंज रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिपीट नहीं करेंगे तो हमें 3 का बनाना है, हमने ले लिया पहले स्टार्टिंग के 3 ले लेते हैं, NUB, लास्ट के 3 ले लेते हैं, BER, ठीक है। अब N को छोड़ देते हैं, ये 3 ले लेते हैं, UMB, अब हम ले लेते हैं, N को छोड़ देते हैं, B को ले लेते हैं, NUB, ठीक है। ऐसे चलते जाएगा कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, हमारे पास वर्ड कितने बनाने हैं, 4 लेटर्स का, 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है, टोटल कितने वर्ड्स हमारे को दे रखे हैं, 6, तो पहले में कितनी पॉसिबिलिटीज है, 6, रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो 6 में से एक इसमें चला गया तो बचे कितने, 5 सेकंड के लिए, थर्ड के लिए 5 में से एक इसके पास चला गया, 4 बचा, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 6 × 5 × 4, टोटल कितने हो गए, 120 पॉसिबिलिटीज। अब हमें दे रखा है अगर रिपीटेशन लेटर्स की अलाउ होगी तो क्या होगा, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो पहली पॉसिबिलिटी कितनी होगी, रिपीटेशन अलावा टोटल वर्ड कितने चेक, 6, तो 6 की 6 पॉसिबिलिटीज, अब रिपीटेशन अलावा तो सेकंड में भी कोई भी 6 लेटर वर्ड्स आ सकते हैं, थर्ड में भी कोई भी 6 आ सकता है, तो टोटल कितनी होगी, 6 × 6 × 6, 216, ठीक है। ये हमारी पॉसिबिलिटीज आ गई। अब हम आगे देखते हैं, आगे भी डेफिनेशन है परम्यूटेशन की, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, कि जो ऑर्डर है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का उसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन, ठीक है। आगे है परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, परम्यूटेशन निकालना है जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। अब हमें थ्योरम फर्स्ट पता नहीं है, थ्योरम फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है।
कि हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे दिए हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ठीक है, लेकिन हमें परमुटेशन किसके निकालने हैं, इस n में से हमें कोई r ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है, उनकी परमुटेशन निकालनी है, और r की वैल्यू क्या होगी, जीरो से तो बड़ी और n से छोटी या इक्वल, ठीक है, इसकी हमें परमुटेशन निकालनी है। और इसमें बोला है कि एंड ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे, तो जब परमुटेशन आएगा वो क्या, n n माइनस वन n माइनस टू सो ऑन n माइनस आर प्लस वन ऐसे आएगा, जहां वेयर इज डोटेड बाय, ये जो आया टर्म आई n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस आर प्लस वन, इसको हम n p r भी डिनोट कर सकते हैं वेयर, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, थ्योरम है हमारी, तो प्रूव करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैनी परमुटेशन हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, ठीक है, लेकिन हमें कितने हमारे पास कितने वैकेंट प्लेसेस है, आर, क्योंकि हमें आर ही लेने हैं इसमें से एन में से, तो हमारे पास टोटल वैकेंट प्लेस कितने हो गए, आर, आर वैकेंट प्लेस हुए, तो हमने यहाँ पर आर बॉक्स बना दिए, ठीक है, सो ऑन करके आर, ये टोटल लिख दिया यहाँ पर आर वैकेंट प्लेस, ठीक है। अब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो ये जो हमारी फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पर अलग से बना देती हूँ, ये जो हमारी फर्स्ट प्लेस है, ठीक है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है आने की, टोटल कितने हमारे पास n, तो फर्स्ट में कितनी होगी n, बोला है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हो गए वो क्या रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा तो फिर यानी कि जो इसमें पहले में फिल हो चुका है प्लेस में वो दूसरे में नहीं आएगा, ये बड़ी बाकी किसी में भी नहीं आएगा, तो हमारे पहले में कितनी पॉसिबिलिटी आने की, एन में से कोई भी एक एलिमेंट आ सकता है, सेकंड में एक इसमें चला जाता है, कितने बचे एन माइनस वन, तो एन माइनस वन में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट इसमें आ सकता है, थर्ड में उसमें चला गया एन माइनस वन में से एक, तो इसमें थर्ड में क्या एन माइनस वन क्या हुआ एन माइनस टू, ठीक है, इसी तरीके से हम आर आर एच टर्म के लिए चलेंगे, क्या देखेंगे हमारा फर्स्ट टर्म था तो क्या हुआ था n, सेकंड था तो n माइनस वन, यानी कि n माइनस जो सेकंड ले रहे हैं तो उससे एक कम, थर्ड में क्या है n माइनस टू, यानी कि थर्ड टर्म थर्ड बॉक्स ले रहे हैं तो उसमें से एक कम, थ्री में से एक, तो n माइनस टू हुआ। अब आर एच ले रहे हैं बॉक्स तो उसमें क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन, ठीक है, देखो यहाँ पर लिख भी रखा कि फर्स्ट प्लेस जो है वो फिल हो रहा है n में से, ठीक है, और सेकंड प्लेस है वो फिल हो रहा है n माइनस वन में से, और थर्ड प्लेस फिल हो रहा है n माइनस टू से। अब हम r वैकेंट प्लेस को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, n n माइनस वन n माइनस टू सो ऑन n माइनस आर माइनस वन, ठीक है, जो आर एक्स वैकेंट प्लेस था वो क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन, ठीक है, उसको हमने सीरीज में लिख दिया n n माइनस वन n माइनस टू सो ऑन n माइनस आर माइनस वन, ठीक है। अब इसको सिंपली वे में कैसे लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको डिनोट कैसे करेंगे, n p r, ठीक है, n p r से डिनोट करेंगे, n p r को हम लिखते कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल, सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाले टर्म आएगी n n माइनस वन n माइनस टू सो ऑन n माइनस आर माइनस वन, ठीक है। अभी सोल्व करके भी दिखा देते हैं, देखो ये n p r n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n n माइनस वन n माइनस टू, ठीक है, सो ऑन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल चला गया, ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या n n माइनस वन n माइनस टू सो ऑन n माइनस आर प्लस वन, ठीक है, ये बचा, ठीक है, यही हमारी
पॉसिबिलिटीज थी, इसको हम सिंपली वे में लिख सकते हैं, एनपीआर इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जो हम सिंबल यूज करते हैं एन फैक्टोरियल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एन और एन फैक्टोरियल, ठीक है, ये भी बोलते हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं, आगे है फैक्टोरियल नोटेशन। जो ये फैक्टोरियल था इसको डिनोट करते हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो नोटेशन ऑफ एन फैक्टोरियल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जो ये एन फैक्टोरियल है वो रिप्रेजेंट किसको करता है कि वन से लेके एन तक की जो नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट, ठीक है, उसको डिनोट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, वन क्रॉस टू क्रॉस थ्री क्रॉस फोर क्रॉस सोन क्रॉस एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बोल दिया वन, इसको क्या लिख सकते हैं, वन फैक्टोरियल, टू वन क्रॉस टू इसको टू फैक्टोरियल, वन क्रॉस टू क्रॉस थ्री इसको क्या लिख सकते हैं हम, थ्री फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। बट जीरो फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, वन, ठीक है। फाइव फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, फाइव, फाइव माइनस वन फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री माइनस वन टू वन, ये हो गया फाइव फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सोल्व करके लिखेंगे, वन फैक्टोरियल को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, वन फैक्टोरियल, ठीक है, या वन में लिख सकते हैं। एन फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, एन फैक्टोरियल, एन, एन में से एक टर्म गई वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल, इससे आगे भी लिख सकते इसको एन, एन माइनस वन, इसमें से भी एक टर्म माइनस कर दो तो एन माइनस टू फैक्टोरियल, इससे भी आगे भी लिख सकते हैं एन, एन माइनस वन, इसमें से भी एक माइनस कर दो तो एन माइनस टू, एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या है, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, सो लास्ट में क्या आ जाएगा, टू वन, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया नोटेशन फैक्टोरियल का। अब हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल है, इवैल्यूएट वन, फर्स्ट पार्ट है फाइव फैक्टोरियल, यानी कि फाइव फैक्टोरियल दे दिया हमें, इसकी वैल्यूज निकालनी, तो वैल्यूज क्या निकलेगी, हमारा एन फैक्टोरियल का क्या था, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, सो ऑन, ऐसे चलता था, ठीक है। तो एन की जगह यहां पर क्या दे रहा था, फाइव, तो हम लिखेंगे फाइव, फिर एन माइनस वन, यानी कि फाइव माइनस वन, फाइव माइनस टू, फाइव माइनस थ्री, फाइव माइनस फोर, ठीक है, फाइव माइनस फाइव, यह है फाइव, फाइव माइनस वन फोर, फाइव माइनस टू थ्री, फाइव माइनस थ्री टू, फाइव माइनस फोर वन, और फाइव माइनस फाइव जीरो, जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा, वन, तो हम इसको क्या लिख देंगे, वन, फाइव फोर थ्री टू वन, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, ठीक है, फाइव फोर ट्वेंटी, इंटू में थ्री टू सिक्स, इंटू वन सिक्स, टोटल कितना है वन ट्वेंटी, तो फाइव फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, वन ट्वेंटी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास सेवन फैक्टोरियल, सेवन फैक्टोरियल इसको क्या लिखेंगे, सेवन इंटू में सेवन माइनस वन, इंटू में सेवन माइनस टू, इंटू में सेवन माइनस थ्री, इंटू में सेवन माइनस फोर, इंटू में सेवन माइनस फाइव, इंटू में सेवन माइनस सिक्स, इंटू में सेवन माइनस सेवन का फैक्टोरियल, ठीक है। सेवन, सेवन माइनस वन कितना है सिक्स, सेवन माइनस टू फाइव, सेवन माइनस थ्री फोर, सेवन माइनस फोर थ्री, सेवन माइनस फाइव टू, सेवन माइनस सिक्स वन, और सेवन माइनस सेवन जीरो का फैक्टोरियल, ठीक है। सेवन इंटू में सिक्स इंटू में फाइव इंटू में फोर इंटू में थ्री
इंटू में टू इंटू में वन, जीरो फैक्टोरियल क्या होगा वन, ठीक है। टोटल क्या आया 5040, ये हमारा हो गया 7 फैक्टोरियल की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी देखो ये 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ये हमारा क्या है थर्ड पार्ट है। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी निकाली थी, क्या ये 5040, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली थी क्या आई थी 120, माइनस कर देंगे ये हमारी 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंप्यूट, फर्स्ट पार्ट है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, कंप्यूट करना है हमें 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। पहले हम 7 फैक्टोरियल को लिखते हैं, 7 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 सॉरी 7 माइनस 2 5, यही तो होता है 7 फैक्टोरियल, 7 7 इंटू में 7 माइनस 1 क्रॉस 7 माइनस 2 सो ऑन, ठीक है। ऐसे चलता है या फिर हम इसको लिख देते 7 क्रॉस 7 माइनस 1 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या है 7 7 माइनस 1 6 7 माइनस 2 5, ठीक है। अब फैक्टोरियल लगा देते हैं अपॉन में, क्या है यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, तो हम यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 7 इंटू में 6 7 इंटू में 6 क्या हो जाएगा 42, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 12 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 12 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 12 12 माइनस 1 11 12 माइनस 2 10 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल इंटू में दूसरा क्या दे रखा है अपॉन में 10 फैक्टोरियल के अलावा क्या दे रखा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू में 1, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 6 6 इंटू में 11 कितना आया 66, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इवैल्यूएट एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इवैल्यूएट करना है हमें, ठीक है। फिर हमें बोला है वेन एन इज इक्वल टू 5 और आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्या तो हम पहले इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, बाद में इनकी वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, ठीक है। सो एन माइनस आर प्लस 1 एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इधर से इसको कैंसिल कर सकते हैं। एन की वैल्यू क्या है 5 पुट करेंगे 5 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 5 माइनस 4 कहां तक पुट कर रही है आर प्लस 1 तक, यानी कि 5 एंड 5 माइनस 5 तक, ठीक है। एन माइनस आर प्लस 1 तक, तो आर कितना है यहां पर 2, तो टोटल कितना हो गया 2 प्लस 1, यानी यहां तक ही करना है 5 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3, लीजिए क्या है यहां पर r फैक्टोरियल, r कितना है पर 2 फैक्टोरियल,
ठीक है, टोटल कितना आ गया 5, 4 3 इंटू में 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, टोटल कितना आया 60। ठीक है, और एक दूसरा मेथड है इसका, दूसरा क्या है हमारे पास, हम क्या करेंगे पहले n की और r की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल, वैल्यूज पुट करो, n की वैल्यू क्या है 5 और r की वैल्यू 2, पुट करेंगे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, r की वैल्यू पुट करेंगे नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 4 टोटल कितना आया 10, और उस वाले मेथड से भी कितना आएगा 10 आएगा, कैसे n फैक्टोरियल है अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल n n माइनस 1 सो n माइनस 1 n माइनस का r फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस का r फैक्टोरियल, आउटपुट करेंगे n और r की वैल्यू, n की वैल्यू 5, 5 माइनस 1 कहां तक पुट करनी है, n की वैल्यू 5, r की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1, यानी कि 5 माइनस 5 माइनस 2 तक, तो टोटल 5 माइनस 2 अपॉन में r फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू में 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 इंटू में 3 आ जाएगा अपॉन में 2 ये वैल्यूज आई, सॉरी यहां पर क्या आएगा देखो 5 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 प्लस 1 ये है, तो कितने हुए 5 माइनस 5 माइनस 1 तक, तो हमसे सिर्फ यहां तक ही निकालनी है 5 माइनस 1 तक, इसके आगे नहीं होगा, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो ये वाली टर्म भी नहीं आएगी, तो 2 से 4 कैंसिल 2 आएगा, 5 2 जा 10, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमें इफ 1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन में 10 फैक्टोरियल, ये दे रखा है, और हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालेंगे पहले क्या करेंगे 1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है 1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल दे रखा है, ठीक है पहले हम क्या करेंगे जो 10 फैक्टोरियल दे रखा है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x, ठीक है 10 फैक्टोरियल को सोल्व करो 10 फैक्टोरियल 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल प्लस 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x, तो क्या हुआ 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमें क्या मिला
टेन इंटू में नाइन प्लस टेन इज इक्वल टू एक्स, टेन इंटू में नाइन नाइनटी प्लस टेन इज इक्वल टू एक्स, हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हंड्रेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट एट फैक्टोरियल। एट फैक्टोरियल को इवैल्यूएट करना है तो क्या आएगा, एट एट माइनस वन सेवन, एट माइनस टू सिक्स, एट माइनस थ्री फाइव, ऐसे फोर थ्री टू वन। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्स फाइव जा थर्टी, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वेंटी फोर इंटू में वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वन सिक्स एट जीरो आ जाएंगे, इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी फोर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वन सिक्स एट जीरो इंटू में ट्वेंटी फोर, फोर एट जा थर्टी टू, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी सेवन आ जाएगा यहाँ पर। टोटल कितना आएगा इनका, फोर जीरो फिफ्टी फोर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी, ये एट फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे दे रखा है सेकंड पार्ट में फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोर फैक्टोरियल की वैल्यू। फोर फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, फोर इंटू में थ्री इंटू में टू इंटू में वन, फोर इंटू में थ्री इंटू में टू इंटू में वन क्या आया, ट्वेंटी फोर। थ्री फैक्टोरियल निकालेंगे, थ्री फैक्टोरियल क्या आएगा, थ्री इंटू में टू इंटू में वन क्या आया सिक्स। अब हम क्या कर देंगे, फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स क्या आ जाएगा एटीन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इसका। हम आगे चलते हैं, आगे हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इज थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल, यानी कि थ्री फैक्टोरियल और सेवन फैक्टोरियल को ऐड करते हैं तो क्या सेवन फैक्टोरियल के बराबर आता है। तो हम लिखेंगे थ्री फैक्टोरियल निकालेंगे, थ्री फैक्टोरियल जाएगा थ्री इंटू में टू इंटू में वन कितना है सिक्स, फोर फैक्टोरियल निकालेंगे, फोर फैक्टोर फोर इंटू में थ्री इंटू में टू इंटू में वन क्या है ट्वेंटी फोर। सेवन फैक्टोरियल भी निकालेंगे, सेवन फैक्टोरियल सेवन इंटू में सिक्स इंटू में फाइव इंटू में फोर इंटू में थ्री इंटू में टू इंटू में वन तो कितना है सेवन इंटू में दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्स फाइव जो थर्टी, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा ट्वेंटी फोर। सेवन इंटू इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा सेवन ट्वेंटी। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फाइव थाउजेंड फोर्टी। ठीक है, अब हम देखो क्या बोला है, थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल क्या है, थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू सिक्स, फोर फैक्टोरियल की ट्वेंटी फोर, टोटल क्या आया थर्टी, बट सेवन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है फाइव थाउजेंड फोर्टी, तो इक्वल नहीं है इसकी 5040 के, तो हम बोल सकते हैं थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू सेवन फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट एट फैक्टोरियल अपॉन में सिक्स फैक्टोरियल इंटू में टू फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, एट फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे, तो कहां तक सोल्व करेंगे, एट इंटू में सेवन इंटू में सिक्स फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे सिक्स फैक्टोरियल है तो उससे कैंसिल हो जाएगा, फिर सिक्स फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे, टू इंटू में वन सिक्स फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल कैंसिल,
टू से ये एट क्या बचा, फोर, फोर इंटू में सेवन 28, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमें दे रखा है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स बाय 8 फैक्टोरियल, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। क्या दे रखा है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स बाय 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस 8 बाय फैक्टोरियल को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस का 8 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स। 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स। 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल से ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा क्या 8 इंटू में 7 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स, 7 इज 56 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 64। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इवेल्यूट करना है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको इवेल्यूट करना है, कैसे कर, कब करना है, जब n की वैल्यू 6 होगी और r 2 होगा तो पुट कर देंगे n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है 6 और r की वैल्यू 2, तो 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल तो क्या है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल क्या आया 30, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट के लिए करेंगे, नेक्स्ट क्या है n 9 है और r 5, वैल्यूज पुट कर देंगे, n क्या है 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, n माइनस r यानी कि 9 माइनस 5 अपॉन में फैक्टोरियल, सॉरी 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में क्या है 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5, मल्टीप्लाई कर लो 9 इंटू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 56, इन दोनों की करेंगे 6 5 इंटू 30, 9 इंटू में 56 के 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 3 18 1680। अब इनके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आज की हमारी एक्सरसाइज यहीं पर ही खत्म होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो।